तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे सेल डिवीजन और सेल साइकिल क्या है। मैंने अभी जून में जब आपको प्रीवियस क्लास ली थी हमने, तो हमने बताया था कि जो सेल डिवीजन हो रहा है उसकी दो स्टेजेस थी पर्टिकुलर, और दो स्टेजेस को आपने देखा था। एक था इंटरफेज, दूसरा था डिवीजन फेज। हमने आपको बताया था कि जो इंटरफेज अवस्था होती है सेल डिवीजन की, वो अवस्था है जिसमें सेल डिवीजन के लिए तैयार है। और सेल अगर डिवीजन के लिए तैयार है, इसका मतलब अगर हम सेल को देखना चाहें, मान लीजिए ये सेल है, तो ये सेल डिवाइड नहीं है। इस सेल के अंदर जो क्रोमेटिक नेटवर्क है वो ऐसे कंडेंस फॉर्म में पड़े हैं, और क्रोमेटिक नेटवर्क अगर कंडेंस फॉर्म में पड़ा है तो इस समय केवल हम न्यूक्लियस की स्टेज को, न्यूक्लियस के केवल फंक्शन को, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को ही हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस समय सेल डिवाइड नहीं हुई है, ये डिवीजन के लिए तैयार है। इसका मतलब है ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं क्रोमोलिमेटा। इसको हम लोग बोल रहे हैं क्रोमोलिमेटा। लेकिन ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यही एट द बिगनिंग ऑफ सेल डिवीजन, एट द बिगनिंग ऑफ सेल डिवीजन, इसका मतलब क्या है, ये इंटरफेज है। और अब ये इसके जो आप क्रोमोसोम्स देख रहे हो, ये क्रोमोलिमेटा के फॉर्म में थ्रेड के समान ये कंडेंस फॉर्म है, और ये जगह जगह पे डार्क है और कहीं कहीं पर ये लाइट बैंड है। कहीं कहीं पर ये डार्क दिख रहे हैं, कहीं कहीं पर लाइट दिख रहे हैं। इस प्रकार से जो लाइट वाला बैंड है बेटा, इसको आपने कहा था यूक्रोमेटिन, इसको कहा था यूक्रोमेटिन। और जो डार्क वाला पोर्शन था इसको कहा था हेटरोक्रोमेटिन। ये जो यूक्रोमेटिन आप देख रहे हो, यही एक एक्टिव पार्ट है। इसका मतलब है कि इस समय हम न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस के फंक्शन को, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को हम देख पा रहे हैं। इसका मतलब क्रोमोलिमेटा को देख पा रहे हैं। लेकिन ये सेल अगर डिवीजन कर रही है, तो निश्चित रूप से जैसे मान लीजिए इस सेल में ये क्रोमोसोम्स कंडेंस फॉर्म में है, और आप क्रोमोसोम्स खुल रहे हैं, क्रोमोलिमेटा खुल रहा है, ओपन हो रहा है, तो बहुत सारे ये क्रोमेटिड्स बना रहे हैं। ये इसको बोलते हैं क्रोमेटिड्स। इसका मतलब है कि जो क्रोमोसोम होता है वो दो क्रोमेटिड्स से मिलकर बनता है। ये इस प्रकार से आप देख रहे हो, ये क्या है, ये सब क्रोमेटेड है। इसका मतलब इसको हम क्या नाम देते हैं, क्रोमेटेड। और दो क्रोमेटेड जिस स्ट्रक्चर से लगा हुआ है, जिस स्ट्रक्चर से लगा हुआ है, इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। जैसे हमने ये बताया कि ये सेंट्रोसोम है और ये क्रोमेटिड लगा हुआ है, ये इसको बोल रहे हैं क्रोमेटिड। अब इसमें क्या है, ये है सेंट्रोसोम और ये है हमारा क्रोमेटिड। और मैंने आपको बताया था कि सेंट्रोसोम वो पॉइंट है जिससे दो लूप आपस में अटैच है, और सेंट्रोसियर सेंट्रोमियर के आधार पे बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे अगर ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। कौन कौन से, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक,
टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। ये चार प्रकार के क्रोमोसोम्स आपने देखा है, किसमें, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के आधार पे चार प्रकार के क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। ये तो हम देख रहे हैं कि ऐसे ये क्रोमोसोम्स का बंटवारा होता है, लेकिन जिस समय डिवीजन हो रहा है उस समय इंटरफेज एक ऐसी स्टेज है जिसमें तीन स्टेजेस आ रही हैं। इंटरफेज की तीन स्टेजेस आ रही हैं, इंटरफेज में तीन स्टेजेस आती हैं। ये कौन कौन सी स्टेजेस हैं? एक है जी1 फेज, एक है एस फेज और एक है जी2 फेज। ये तीन स्टेजेस हैं इंटरफेज के, और सब में अलग अलग टाइम पीरियड लगता है, किसी में 5 घंटे का, किसी में 7 घंटे का, किसी में 9 घंटे का। ये जी1 फेज, एस फेज और जी2 फेज, ये फेज में तो क्रोमोसोम खुलना शुरू हो रहा है, लेकिन जो एस फेज है इसमें ध्यान रखिए हमेशा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेल डिवीजन की एस फेज में ही होता है, इसको सिंथेसिस फेज कहते हैं हमेशा। और सिंथेसिस फेज है तो इसका मतलब लगभग 7 घंटे का समय इसमें लग रहा है डीएनए सिंथेसिस होने में, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होने में। तो ये तो तीन स्टेजेस है हमारी इंटरफेज की। लेकिन अगर हम डिवीजन फेज की बात करते हैं, हम डिवीजन फेज की बात करते हैं तो इस डिवीजन फेज में दो चीजें आती हैं। एक आता है कैरियोकाइनेसिस और एक आता है बेटा साइटोकाइनेसिस। डिवीजन फेज में जिस समय सेल डिवाइड हो रही है उस समय दो स्टेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। और जो कैरियोकाइनेसिस है, कैरियो मींस होता है न्यूक्लियस, इसका मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियस का विभाजन। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस क्या है? कैरियोकाइनेसिस है। और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोकाइनेसिस है। इसको आप लिख सकते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अगर हम ये देखें कि दो स्टेजेस हो रही है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, केंद्र का विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन। अब जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, अब सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है। अब इसमें दोनों चीज का बंटवारा हुआ, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, दोनों चीजें बटेगी। और जब दोनों चीजें बटेगी तो न्यूक्लियस का कैरियोकाइनेसिस होगी, मतलब है ये जो पूरी सेल है इसका मतलब साइटोप्लाज्म भी दो भागों में ऐसे बटेगा और न्यूक्लियस भी दो भागों में ऐसे बटेगा। ये हमारा हो जाएगा न्यूक्लियस और ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म। तो दो पार्ट्स में बट गया, इसका मतलब है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस। तो अगर हम एक साइकिल देखें कि किस प्रकार से साइकिल, ये सेल साइकिल हमारी चल रही है, किस प्रकार से सेल साइकिल चलती है, तो आप इसको ऐसे
तो ये एम फेज है इसमें चार स्टेजेस जिस समय टाइलोकाइनेसिस हो रही है उसमें चार स्टेजेस होती हैं इस माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज में एक होती है प्रोफेज एक होती है मेटाफेज एक होती है टेलोफेज तीसरे नंबर पे लिखिए एनाफेज और इसको बोलते हैं टेलोफेज। इसका मतलब है मैंने ये बताया कि जिस समय सेल डिवीजन हो रहा है जिस समय न्यूक्लियस का बंटवारा हो रहा है तो न्यूक्लियस जब बढ़ता है और न्यूक्लियस बटने में उस न्यूक्लियस के बटने की जो फेज होती है वो माइटोटिक फेज होती है एम फेज जिसको कहते हैं और ये चार अवस्था है प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज। इसका मतलब है कि अब ये जो सेल साइकिल है सेल साइकिल दो चरणों में हो गई इस स्टेज को हमने कहा इंटरफेज। ये हमारी इंटरफेज है और ये स्टेज है हमारी डिवीजन फेज। इसको क्या बोलते हैं सेल साइकिल। ये सेल साइकिल चल रही है डायग्राम के रूप में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये साइकिल चल रही है। अब जैसे हमने बताया कि प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज ये किस डिवीजन के अंतर्गत है क्योंकि सेल का जो डिवीजन होता है वो दो प्रकार का होता है बेटा एक माइटोटिक डिवीजन और एक मियोटिक डिवीजन। अब जो माइटोटिक डिवीजन है जनरली वो किस में होता है सोमेटिक सेल्स में होता है लेकिन जो मियोटिक डिवीजन होता है वो जर्म सेल में होता है। तो अगर माइटोटिक की हम बात करें जैसे मान लीजिए ये एक सेल है इसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इसमें माइटोटिक डिवीजन होना है ये एक पैरेंटल सेल है और इससे दो सेल ये दो सेल बनेगी एक बार में और जब दोनों बनेगी तो क्रोमोसोम नंबर सेम होंगे इसमें क्रोमोसोम नंबर कैसे होंगे सेम होंगे और फिर ये एक से आगे चल के क्या बनेगा दो फिर बन जाएगी इसमें भी 2x रहेगा और इससे भी फिर ये दो बन गई इसमें भी 2x है। तो इस प्रकार से क्या देख रहे हैं ये माइटोटिक डिवीजन है। माइटोटिक डिवीजन में नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ी रही है लेकिन आप जो देख रहे हैं क्रोमोसोम के नंबर भी डबल हो रहे हैं इसको तो बोलते हैं समसूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीजन। लेकिन जो मियोटिक डिवीजन है वो मियोटिक में अंतर है जो मियोटिक डिवीजन होता है जिसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं मियोटिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन। अब मियोटिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन कहें तो इसमें क्या हो रहा है कि मान लो ये एक सेल है पैरेंटल सेल है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है लेकिन ये जो डिवीजन हो रहा है किसमें हो रहा है जर्म सेल में हो रहा है। मियोटिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन ये हमेशा जर्म सेल में होता है। तो जब जर्म सेल में होता है तो ये क्या है जब डिवाइड होगा तो दो सेल बनेगी इससे पहले लेकिन क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी आधी हो जाएगी क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी क्योंकि ये रिडक्शन डिवीजन है ये मियोटिक डिवीजन है। यहां पर 2x था यहां कितना बचा xx हुआ। अब यहां से फिर अगर हम बांट दें तो चार सेल बन रही है और चारों में क्रोमोसोम की संख्या x ही होगी। इसका मतलब है कि मियोटिक डिवीजन का मतलब है कि ये पैरेंटल सेल जब अपने समान चार डॉटर सेल तो बनाती है लेकिन जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो हैप्लॉयड हो जाती है। तो जब क्रोमोसोम की संख्या हैप्लॉयड हो जाएगी तो इसको बोलते हैं मियोटिक या रिडक्शन। मियोटिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन तो दो प्रकार के डिवीजन होते हैं इसमें सभी में कि इस प्रकार से ऐसे बनता है। बाकी जब आप देख रहे हैं कि डिवीजन होता है
और पूरा जो थ्रेड है वो कंडेंस्ड फॉर्म में खुलेगा। तो जब खुलेगा कंडेंस्ड फॉर्म में तो ये पहले सबसे पहले क्रोमेटिड बनेगा, और जब क्रोमेटिड बनेगा तो आगे चल के ये क्रोमेटिड एक दूसरे से खींचेंगे, और जब खींचेंगे तो उसको कौन खींचेगा, उसको स्पाइंडल फाइबर्स होते हैं, और वो स्पाइंडल फाइबर किसको, क्रोमेटिड को एक दूसरे को खींचेंगे। तो ये जितनी अवस्थाएं होती हैं ये इसी के अंतर्गत होती है बेटा, कि जिसको बोलते हैं एम फेज या माइटोटिक फेज। तो ये साइकिल भी बना लीजिए पूरी, और इसको भी रफली नोट कर लीजिए जरा।